स्वागत है दोस्तों आप सबका खाना इंडिया का नए एपिसोड में। भाई वैसे तो बजा का हर एक स्टॉल अपने टेस्ट के लिए फेमस होता है, लेकिन भाई यहाँ पे ये स्टॉल अपने टेस्ट के साथ साथ ये भैया की करतब के लिए भी बड़ा ही फेमस है। और यहाँ पे क्या क्या वैरायटीज में मिलने वाली है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो हम पहुंच गए थे बाबा सीताराम कुंभारिया भजिया हाउस पर, जिसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी भजिया की वैरायटीज मिलने वाली है जो ना तो कभी आपने देखी होगी और ना तो कभी सुनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गए हैं तेल। अब तेल को अच्छी तरीके से गर्म किया जाएगा और हमारे लिए यहाँ पे बन रहे उनकी बहुत ही फेमस फ्रेंच फ्राइज। तो धीरे धीरे करके ढेर सारी क्वांटिटी में जा रही है फ्रेंच फ्राइज ये पैन के अंदर, और इसे हल्की हल्की आंच पर पकाया जाएगा। और आप देख लो बहुत ही बढ़िया, और ये क्रिस्पी हो चुकी है और इसका कलर भी पूरा चेंज हो चुका है। अब इसे निकाल दिया जाएगा तो भाई ये दिखने में कितनी बढ़िया लग रही है। अगर आपको भी ये पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अब इसके ऊपर छिड़का जाएगा उनका स्पेशल वाला मसाला। तो आप देख लो भाई ये कितनी बढ़िया और टेस्टी होने वाली है। तो भाई मेरे लिए तो गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज रेडी होकर आ चुके हैं। पर्सनली मुझे तो बड़ी ही पसंद आई। अब मैं मेरे लिए बनवा रही हूँ डुम्मस की बड़ी ही पॉपुलर टमाटर की पूरी। तो अब आपको डुम्मस जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से भैया टमाटर कट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसे सेट किया जाएगा। सेट हो जाने के बाद आप देख लो कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे रेडी होती है। अब ये सेट हो जाने के बाद इसके ऊपर जाएगी एक ग्रीन वाली चटनी। अच्छी तरीके से ग्रीन वाली चटनी लग जाने के बाद अब ये जाएगी बेसन के गोल के अंदर। तो सबसे पहले हमारे लिए यहाँ पे बेसन रेडी किया जाएगा, जिसके अंदर जाएगा ये पानी, ये थोड़ा सोडा, और ये भैया ने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब भैया डालेंगे इसके अंदर ये रेडी की हुई टमाटर की स्लाइस, जो जाएगी गर्मा गर्म उबलते तेल के अंदर। तो अब धीरे धीरे एक 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 करके भर या सारे टमाटर के स्लाइस जो बेसन में डीप करके ये फ्रायर में डालते जाएंगे और गुब्बारों की तरह हमारे लिए पूरी फूल कर बाहर आ चुकी है और इसका पूरा कलर चेंज हो चुका है। तो अब उसे निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद हमने हमारे लिए बनवाया था यहाँ का बड़ा ही पॉपुलर कुंभारिया भजिया, जिसके अंदर पड़ती है पत्तेदार सब्जी या ये मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, और भैया ने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब भैया रखेंगे इसके पकोड़े, इसको बोल दिया जाता है कुंभारिया भजिया। तो भैया आप दिखाएंगे अपना टैलेंट। आप देख सकते हो भैया उबलते हुए तेल के अंदर ये डालते हैं हाथ, और सिर्फ हाथ ही नहीं डालते हैं, ये उबलता हुआ तेल अपने शरीर पर भी लगाते हैं। तो आप देख सकते हो घोलते हुए तेल के अंदर भैया ये अपना हाथ भी डाल रहे हैं और उसे शरीर पर भी लगा रहे हैं, और उसे कुछ भी नहीं हो रहा है उन्हें। तो भाई ऐसा कभी आपने देखा है कि नहीं देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और हाथ तो डालते हैं फिर गर्मा गर्म भजिया भी वो अपने हाथों से उठा लेते। तो भाई ये हमारे लिए रेडी हो चुके। तो भाई अगर आपको भी ये नज़ारा देखना है तो फटाफट से आ जाओ बापा सीताराम पर। यहाँ पे आपको इसके अलावा भी ढेर सारी वैरायटीज मिल जाएगी, जैसे कि टमाटर की पेटीज मिल जाएगी, स्टफिंग वाला मिर्च का भजिया मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रिंग भजिया भी मिल जाएगा जो बहुत ही कम जगह सूरत में मिलता है। तो मेरे लिए ये सारे भजिया रेडी हो चुके। तो भाई पर्सनली यहाँ के भजिया तो मेरे फेवरेट है। तो आप अगर सूरत में रह रहे हो या फिर सूरत विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आके इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पकौड़े ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ऐसे ही खाने के मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए खाना इंडिया पेज को फेसबुक पर लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर हमने अलग अलग सिटीज़ की प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहाँ पे जाके मज़ेदार वीडियोस ज़रूर से देखेगा। तो चलिए मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।